हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल यूनिक मेडिसिन। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एमलोकाइंड 80 टैबलेट के बारे में। तो ये किस तरह की मेडिसिन है, क्या इसके फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरह के पेशेंट को लेनी होती है, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूँ। मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए और कभी भी खुद से कोई दवाई मत लीजिए। ये वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। हम यहाँ किसी भी तरह की दवाई लेने की सलाह नहीं देते हैं। आप किसी भी तरह की दवाई खुद से मत लीजिए। अगर बीमार हो जाते हैं तो अपने डॉक्टर से मिलिए, उनकी सलाह से ही दवाई ले लीजिए। और दोस्तों, इसके साथ ही अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की जानकारी वाले वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और घंटे के बटन को दबाना मत भूलिए। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ जो आप एमलोकाइंड 80 टैबलेट देख रहे हैं, ये टैबलेट जो बीपी के पेशेंट होते हैं, यानी जिनको ब्लड प्रेशर और हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद मेडिसिन है। इसका जो साल्ट कंपोजिशन की अगर हम बात कर लें, तो इसमें एमलोडिपिन एंड एटीनोलोल टैबलेट पाया जाता है, यानी ये एक प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है, कभी भी खुद से नहीं लेनी है। या रेड स्ट्रिप आप देख सकते हैं, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि शेड्यूल एच प्रिस्क्रिप्शन वाला ड्रग है, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह से, यानी उनके प्रिस्क्रिप्शन पर ही आपको लेना होता है। दोस्तों, ये जो मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है जिनको बीपी और हार्ट की समस्या होती है। सबसे पहले हम इस मेडिसिन के बेनिफिट्स जानेंगे, इसके बाद इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, डोजेज वगैरह क्या रहती है, और इसके साथ ही साथ क्या सावधानियाँ रखनी हैं, तो ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। अगर हम इसके बेनिफिट्स यानी फ़ायदे की बात कर लें, तो इसमें जो एमलोडिपिन है, ये देख रहे हैं ना आप, दो साल्ट हैं इसके अंदर, एमलोडिपिन और एटीनोलोल, तो कॉम्बिनेशन साल्ट वाली मेडिसिन है। इसका जो काम होता है, ये एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का काम करता है, जिसका काम होता है कि जो बीपी या हार्ट के पेशेंट होते हैं, उनकी जो ब्लड की जो वेंस होती हैं उनको रिलैक्स करता है। यानी जो हमारे बॉडी के अंदर वेंस होती हैं, ब्लड वेंस, जिनमें ब्लड बहता है, ब्लड फ्लो करता है, तो जो हार्ट वगैरह के पेशेंट क्या होते हैं, इनको क्या होता है कि ये वेंस सिकुड़ने लगती हैं, तो ये क्या करता है, एमलोडिपिन इन वेंस को रिलैक्स करता है, यानी इनको खोलने का काम करता है, और इसमें जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से हो सके, तो ये जो एमलोडिपिन मेडिसिन है ये इसके काम हो जाते हैं। तो यहाँ ये ब्लड को आसानी से बह सके, आसानी से फ्लो हो सके, ये इस मेडिसिन के काम हो जाते हैं। तो जब ब्लड आसानी से फ्लो होता है, तो हार्ट को जो है फोर्स कम करना पड़ता है, और नॉर्मल जो हार्ट के पेशेंट होते हैं उनको रिलैक्स होने लगता है। दोस्तों, इसके साथ ही एटीनोलोल की अगर हम बात कर लें, तो इट इज़ अ बीटा ब्लॉकर मेडिसिन, जो कि डिक्रीज करती है हार्ट रेट को। तो जो ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको एकदम से हार्ट रेट बढ़ जाती है, तो उस समय ये एटीनोलोल टैबलेट, यानी जो एमलोकाइंड 80 है, इसमें दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ये टैबलेट जो है, ये मेडिसिन उनको काफ़ी फ़ायदा करती है। इस टैबलेट का जो जनरली काम होता है एटीनोलोल का, तो एटीनोलोल का काम होता है, इट इज़ अ वीटा ब्लॉकर, एक वीटा ब्लॉकर की तरह काम करती है। इट डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करती है, वापस जो है उसको मेंटेन करके लाती है। इसके साथ ही इट डिक्रीज कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन का कंजम्पशन है उसको कम करने का काम करती है, एंड ऑल्सो मेंटेन हार्ट वर्क, तो इसके साथ ही जो हार्ट का वर्क है उसको मेंटेन करने का काम करती है। तो गाइज, दोनों ही साल्ट का अलग अलग काम है, दोनों साल्ट से मिला के इस एमलोकाइंड 80 को बनाया गया है, तो ये इस मेडिसिन के काम हो जाते हैं। अब जान लेते हैं इस मेडिसिन के स्ट्रेंथ की। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं इसकी स्ट्रेंथ, देखिए यहाँ पर एमलोडिपिन इसमें है 5 mg और एटीनोलोल आईपी है 50 mg, इसके साथ ही एक्सिपिएंट्स, जो एक्सिपिएंट्स हैं इनका काम होता है, क्वांटिटी सफिशियंट होते हैं मेडिसिन की क्वांटिटी वगैरह को बढ़ाने के लिए और टैबलेट को सेप वगैरह के लिए इनका यूज़ किया जाता है। साथ ही अगर हम बात कर लें इस मेडिसिन के कुछ साइड इफ़ेक्ट की, तो हो सकता है जो पेशेंट इसको ले रहे हैं या लेते हों, उनको नोजिया वॉमिटिंग जैसा हो सकता है, कुछ स्लीपनेस हो सकता है, मतलब इसके साथ
साथ ही कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, थकान वगैरह महसूस हो सकती है, तो ये क्या है, एक कॉमन साइड इफ़ेक्ट हैं जो पेशेंट को आ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ साइड इफ़ेक्ट आपको आता है तो आप अपने जो डॉक्टर हैं उनको बताइए, उनको बताना आपको ज़रूरी होता है, जिससे कि डॉक्टर आगे जो है आगे का जो फर्दर ट्रीटमेंट है उसको उसके अकॉर्डिंग कर सकें। तो इस तरह का आपको ध्यान रखना होता है। डोजेस की अगर हम बात कर लें तो देखिए डोज हमेशा जो है डॉक्टर की सलाह से होती है, क्योंकि डोज कोई भी आदमी खुद से अगर लेता है तो वो गलत है, क्योंकि आप कोई डॉक्टर नहीं होते हैं। डॉक्टर का काम होता है कि वो आपकी डिसीज़ यानी पेशेंट की डिसीज़ को देखता है, उसकी सीवियरिटी को देखता है, उसकी कंडीशन को देखता है, उसके बाद ही वो डोज को कैलकुलेट करके जो है पेशेंट को देते हैं। तो डोज के केस में मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप खुद से कोई मेडिसिन लें, तो हमेशा अपने फिजिशियन के डायरेक्शन से ही मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। तो गाइज ये इस एम्लोकाइंट 80 टैबलेट के बेनिफिट्स और बेसिक इन्फॉर्मेशन कंपोजिशन की बात हुई। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। मैनकाइंड डिस्कवरी ग्रुप वालों का प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी मेडिसिन है, बच्चों की पहुंच से इसको दूर रखना है। यहाँ इसका लाइसेंस नंबर हो जाता है और इसके साथ ही यहाँ इस मेडिसिन का बैच नंबर हो जाता है। एमआरपी के सेक्शन में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 10 टैबलेट हैं वो 40 रुपीज़ में मिल जाती हैं। तो 40 रुपीज़ में आप इसको मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना होता है कि यहाँ इस दवाई की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी क्या है। तो 2021 की इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, 2022 की एक्सपायरी है। ये एम्लोकाइंड 80 टैबलेट के बेनिफिट्स हो जाते हैं हार्ट और बीपी के पेशेंट के लिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, अगली वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो लेकर आएंगे। तब तक आप सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए, और इसके साथ ही वीडियो गाइस अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको टाइमली मिलते रहें। घंटे के बटन को दबा लीजिए। गुड बाय, जय हिंद।